देखिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पहले तमाम मीडिया के साथियों का यहाँ पे वेलकम करती है। आज हम जिन मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो फेंस को लेकर है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड करते हैं कि फेंस लाइन को जीरो लाइन पे लेके जाया जाए और साथ साथ जहां वहां के जो मकामी लोग हैं, चाहे वो दराटी के हैं, पंजना के हैं, सरूला के हैं, जितने बॉर्डर के इलाके के लोग आते हैं उनकी कंसेंट के मुताबिक जो है उस फेंस को जीरो लाइन पे लिया जाए ताकि उन लोगों को किसी भी परेशानी का, किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। साथ साथ जिस दूसरे मुद्दे को हम लेकर आए हैं वो मुद्दा 2022 से लगातार सरकार कुछ सड़कों को मेंडर की कुछ सड़कों के लिए लगातार DPR बनवाती है और हर बार प्रायोरिटी पे उन सड़कों को भेजा जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो सड़कें जमीन पर कभी भी उन पे काम नहीं हुआ, ना ही उनकी टेंडरिंग हुई है। जिसमें एक सड़क जो महाराजा रोड, जो एक ऐतिहासिक रोड थी किसी जमाने में, उस रूट को जब 1947 से पहले यहाँ दो टुकड़े इस देश के नहीं हुए थे, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक होता था तब उस रूट को इस्तेमाल किया जाता था, वो एक हिस्टोरिकल रोड है जिसे महाराजा रोड के नाम से जाना जाता है, उसका 2022 में भी DPR जाती है, 2023 में भी जाती है, 2024 में भी जाती है, लेकिन बदकिस्मती से वो सड़क पे ना ही टेंडरिंग होती है ना ही उसका काम कंप्लीट किया जाता है। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बैरोट है जिसकी अपग्रेड कर दिया गया है लेकिन सरकार ने उसमें क्लासेस नहीं शुरू की, हम कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मांग करते हैं कि वहां पे क्लासेस शुरू की जाए। उसके साथ साथ तीसरा जो बॉर्डर बेल्ट को लेकर बड़ा इशू है, हम चाहते हैं कि पूरे बॉर्डर के अंदर मोबाइल कनेक्टिविटी को शुरू किया जाए, साथ साथ बॉर्डर पे जितने गेट से जहां से आम लोगों को परमिशन लेकर अंदर जाना पड़ता है फेंस के अंदर जो हमारे इलाके पड़ते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये मामला पिछले 10-12 दिन से पीक पे आ रहा है। वहां पे जब आप बॉर्डर पे पहुंचते हो तो गेट पे जो लेडी पुलिस अधिकारी हैं वो 4 बजे के बाद अवेलेबल नहीं होती हैं, जबकि गेट 6 बजे तक खुला रहता है जिसमें आम लोग या तो बाहर फेंस के अंदर आ सकते हैं या जा सकते हैं। लेकिन हम SSP पुंछ से और DG साहब से ये अपील करते हैं एक गेट की टाइमिंग को बढ़ाया जाए, 6 बजे से 8 बजे किया जाए और सुबह की टाइमिंग को भी बढ़ाया जाए और साथ साथ जो पुलिस वुमेन पुलिस कंस्टेबल है उसको वहां पर 8 बजे तक तैनात किया जाए ताकि हमारी माओं बहनों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। और साथ साथ जो एंटी नेशनल एलिमेंट इस दिक्कत की वजह से कोई ऐसा हादसा पेश आ सकता है उस पे भी रोक लग जाए। अब ये पूरे मेंढर बालाकोट और मनकोट, सबसे पहले हम बात करते हैं बालाकोट। बालाकोट को पिछले 2 साल में जिस तरीके से पैसे सरकार से मिलने चाहिए थे वो पैसे नहीं मिले हैं। हम पूछते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि बालाकोट के साथ सौतेली माँ का सलूक करने का कारण क्या है। साथ साथ जिस तरीके से पूरे मेंढर में बिजली के कट लग रहे हैं और हम लोग यहाँ पे फ्लैट रेट के तहत जो है सरकार को बिल दे रहे हैं बिजली डिपार्टमेंट को, हम बिजली डिपार्टमेंट से मांग करते हैं कि ये कट जो शेड्यूल्स कट पावर को लेकर है ये कम किए जाए और जितने पिछले 2 महीने से जितनी देर, अगर 24 घंटे में 6 ही घंटे बिजली आई है तो हम 6 घंटे बिजली का बिल देंगे ना कि 24 घंटे का बिल देंगे। अगर सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती है, LG एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हल नहीं करती है तो 1 महीने के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की मेंढर यूनिट पूरे मेंढर के अंदर एक इनकलाबी आंदोलन शुरू करेगी जिसमें बड़ी तादाद में लोग जो है वो हर पंचायत से जुड़ेंगे। इस चीज की जिम्मेवार सरकार होगी। साथ साथ कोटों से लेकर मेंढर में एक रिंग रोड का काम सरकार ने शुरू करना था जो प्रोजेक्ट कागजों में तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन जमीनी सतह पर उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। हम LG एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं कि इस रिंग रोड पर जल्द से जल्द काम शुरू हो सके
ताकि आम लोगों को सड़क जाम की परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ साथ हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि आज से 3 साल पहले यहाँ पर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज को लेकर एक सेक्रेट से एक फाइल जो है उसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन बदकिस्मती से हमारे कुछ लीडर साहिबान ने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करते हैं कि मेंडर के लिए एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज वजूद में लाया जाए, जिससे हमारे नौजवान यहाँ पे तालीम हासिल कर सके, न कि यहाँ से माइग्रेट करके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या दूसरे इलाके में जाके उन्हें तालीम हासिल करनी पड़े। हम गवर्नमेंट से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी मांग करते हैं कि मेंडर के लिए एक एएनएम कॉलेज शुरू किया जाए। वो इसलिए शुरू किया जाए कि यहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में मेंडर एक ऐसी तहसील है जिसमें कोई प्रोफेशनल कॉलेजेस नहीं है, जिसको लेकर हम सरकार से कहते हैं कि यहाँ पे जो 48 पैरामेडिकल कोर्सेज जो पूरे जम्मू कश्मीर में है, आप हमें कम से कम 48 कोर्सेज के नाम पे एक एएनएम स्कूल जो है वो मेंडर के लिए दें। साथ साथ इस पूरे इलाके में आम लोगों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आज हमारा नौजवान यहाँ पे लगातार बेरोजगार होता जा रहा है। सरकार एक तरफ एक एसपीओ नामी रिक्रूटमेंट का आगाज करती है, जिस रिक्रूटमेंट में उन्होंने कुछ सिलेक्टेड इलाकाओं को जो है उसमें रखा, लेकिन हम सरकार से ये कहते हैं कि उस रिक्रूटमेंट को पूरे मेंडर बाला, हम इस विषय में हमने एक लिस्ट तैयार की है, मेंडर में 13 हाई सेकेंडरीज जो हैं उनमें शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, मिडिल स्कूल जो हैं वो 48 मिडिल स्कूल हैं जिनमें शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। हम इस मुद्दे को लेकर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे और हम इनसे लगातार डिमांड कर रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में जो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है इस कमी को पूरा किया जाए। साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेंडर है इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाए या इसको बॉर्डर स्पेशल हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाए और इसमें हर बीमारी के इलाज के लिए स्पेशल बजट सरकार हमें दे, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन दे, क्योंकि जब बॉर्डर पे गोली चलती है या तो सिविलियन यहाँ का रहने वाला या हमारा कोई फौजी शहीद होता है, उसकी जान ना जाए उसको बचाने के लिए यहाँ के हॉस्पिटल को सब ग्रेड किया जाए, उसमें हर फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल कराई जाए।